कौड़ी की औरत तेरे को तो मैं अरे हट जा यार। ए! क्या बोली मेरी बात तो सुन। क्या बात करी तू तू मैडम ने की तरह नौकरी प्रबंधन की जाएगी और तेरा घर में बैठ के बर्तन मार दूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? आज सवाल जवाब के मूड में नहीं हूँ सिस्टर। इसका तो खून कर डालूंगा और इसका ब्लड ग्रुप का पता लगाऊंगा कि किस जानवर का खून है इसके अंदर। आज तुमने सोए हुए शेर को अपने बालों से झिझोड़ के उठाया है। आज तेरे को दुनिया से नहीं उठाना तो मेरा नाम बड़ी आए मर्द और मर्दांगी की बातें करने। अपनी पत्नी के सामने एक सच बोलने की औकात नहीं है तुम्हें। अप्पू मेरे को मारती है, इसको समझाना यार। अंजलि दिस इज टू मच थ्री मच मगर मच स्टॉप दिस मच 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 ऐसे। अरे मर्दों को कई परेशानियां होती है, इसका मतलब ये है कि वो हर चीज आके औरतों को बताएगा। रुको रुको रुको। अरे ये सारी की सारी आग वो सामने रहने वाली झुमरी की लगाई हुई है। हाँ। उसकी वजह से हमारा घर मैदानी जंग बन गया है। एक दिन मौका देकर इसके घर की गैस लीक करो और माची जला के फेंक दो। हम किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। आप मर्द लोगों से घर गृहस्थी नहीं चली तो हमने मजबूर होकर इस घर की दहलीज को पार किया है। आ रा, रा, रा। कोई है ना इनको अक्कल वाली घास खिलाओ। अगर हम लोग टाइम पे नौकरी पर नहीं जाते नहीं तो तुम्हारे बच्चे लोग ऐसे रास्ते में भीख मांगते होते। खड़े रहे। मेरे जूते में डाल खाने वाली जबान चलाती है। मुंडी काट कर रखूंगा, पेट काट कर रखूंगा, टुकड़े कर डालूंगा। बच गई। काट के फेंकोगे? काटो काटो, मैं भी देखती हूँ। काटो सिस्टर एक मिनट। तू ये नौकरी छोड़ने के लिए तुम सारा कर्जा चुका दो, हम नौकरी छोड़ देंगे। ए यू यू दो महीने में सारा कर्जा चुका देंगे जी। चुटकियाँ बजाने से कर्जा नहीं चुकेगा, करके दिखाओ दो महीने में। ओहो पति को चैलेंज कर रही हो? हाँ यस। अच्छा देख लेना, पति की बात ना मानकर जो तुम नौकरी कर रही हो ना, एक दिन तुम खुद पछताओगी और तुम्हें खुद एहसास होगा कि हम सही थे और तुम गलत। और अगर तुम्हें ये पछतावा नहीं हुआ तो हम भी मर्द की औलाद नहीं। एक दिन तुम भी नहीं पछताए और तुम्हें भी ये एहसास नहीं हुआ कि तुम गलत थे और हम सही, तो हम भी भारतीय नारी नहीं। हम भी साबित कर देंगे कि हम भी बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं। देख लेंगे। हाँ हाँ देख लेना। देख लेंगे क्या, हम तुम्हें दिखा देंगे। आरा रा, रा, हम भी तुमको दिखा देंगे। जाओ चैलेंज 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 यस चैलेंज। चलो अंग पे क्यों गिरती है? मेरी नींद खराब हो रही है। अरे मैं थोड़ी कर रही हूँ, पीछे से आ रहा है धक्का। मैं क्या करूँ, वो इडियट पीछे से धक्का दे रहा है। कौन वो? अभी उसको सीधा करती हूँ मैं, उसको लेडीज टच की जरूरत है। जब से इन लोगों ने नौकरी पकड़ी है हमारा घर इनके लिए गेस्ट हाउस बन गया है। हाँ आती हैं, खाती हैं और चली जाती हैं। डैडी कल मैथमेटिक्स का एग्जाम है, थोड़ा पढ़ाओ ना। मैथ्स? बेटी मैं थोड़ा बिजी हूँ, जब मम्मी आएंगी ना तब पढ़ाएंगी। डैडी मम्मी तो सुबह से शाम तक नौकरी करती हैं, आपको तो कोई काम धंधा भी नहीं है। हाँ, बेटी ये तुमसे किसने कहा कि हमें कोई काम धंधा नहीं है? मम्मी ने। मम्मी ने? हाँ, अब बच्चों की नजरों में भी इज्जत का कतरा किया हुआ है। बड़ी प्लानिंग के साथ इज्जत की वाट लगाई जा रही है। डैडी डैडी तेरी चिट्ठी कहाँ है रे? चिट्ठी करके अब धो। अबे ओ चलते फिरते नंगे, चल उधर जा। ऐसे डरता है यार, फिर करके आएगा, बार बार क्या करेगा तू? जल्दी धो वरना सूख जाएगा। अबे तेरा छी है क्या, भैंस के गोबर का उपला तो सूख जाएगा। अबे बेकार बेटा, पानी मार चल। अरे यार पढ़े लिखे इंसानों को क्या क्या काम करना पड़ रहा है यार। और दो पाँच। अबे तेरा झूला बे, चल पानी। डैडी डैडी क्या हुआ बेटा? मुझे बहुत भूख लग रही है। अबे यार बच्चों को बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लग रही है। भूख लगी है, चुप बैठ, भूख लगी है। हाँ और काम ही क्या है इसको, पहले लोडिंग फिर अनलोडिंग, दूसरा कोई काम ही नहीं है। चल जा कपड़े पे, चल एक काम करते हैं, बच्चों को ले जाते हैं होटल में खाना वाना खिला के ले आते हैं। अबे यार जेब में सिर्फ 100 रुपए बचे हैं, अगर ये भी खाने पीने के लिए खर्च हो गए
तो कल सुबह सिगरेट और माचिस के लिए वीडियो के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्या कहता है? अरे खामोशी से दरवाजा बंद करके खाना पकाएंगे, पैसे बचाएंगे। फैंटास्टिक आइडिया यार। ये लोग अंदर क्या कर रहे होंगे क्या मालूम। आज बहुत देर हो गई है। ओहो, हम लोग को बहुत लेट हो गया। हाय मम्मा। क्या कर रहे हैं डैडी? डैडी रवि अंकल और विजय अंकल रवि अंकल के घर में कुकिंग कर रहे हैं। क्या बात है, हमारे नौकरी मिलने के एक हफ्ते बाद ही ये लोग इतने बदल गए। अरे वाह, उसमें ऐसा ही नहीं, हम लोग कमाने को जाते तो वो लोग भी शर्माते होंगे ना फुकट में खाना खाने को। चलो देखते। यार चावल में पानी डालूं या पानी में चावल डालूं? अरे अप्पू छोड़ यार, अगर आइटम अच्छा लगा तो हम और बच्चे दोनों साथ मिलकर खाएंगे। और जो अच्छा नहीं बना वो कुत्ते को डाल देंगे। हाँ, अगर कुत्तों ने रिजेक्ट किया ना तो ये खाना अपनी पत्नियों को खिलाएंगे। अच्छा, तो आप लोगों की नजरों में हम कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। हाँ? अच्छा, तो चुपके चुपके हमारी बात सुनी जा रही थी। हाँ? हाँ, सुन लिया हम लोग ने। तुम कितने कुत्ते टाइप के आदमी हो ने, वो मालूम पड़ गया। ये मुंह बंद करे तो मुंह तोड़ दूंगा। दाल में मसाला डालने की तमीज नहीं है। हाँ? मगर मुंह से मिर्ची निकलती है, मिर्ची। ए, मैं दाल में मसाला डालूं या काला ग्रीस डालूं? पहले तू ये बता कि तू इतने बजे तक ठीक है। हम लोग बस में जा रहे थे तो एक बदमाश आदमी ने मुझे देख के ऐसे आंख मारी। हाँ? उसको मैं ठिकाने पे लाई ना, इसीलिए हम लोग को देर हो गई। अच्छा, इधर इधर। क्या है? अपनी सड़ी हुई रोमांटिक लाइफ के सर पर हाथ रख के कसम खा, क्या उसने सचमुच तेरे चेहरे पे देख के आंख मारी? हाँ, आंख मारी। अबे हराम खोर साले कमीने, 15 साल पहले आंख क्यों नहीं मारी बे? कम से कम ये मुसीबत तो मेरे गले न पड़ती। क्या बोला? और एक बात ध्यान से सुन लो, हम मर्दों को औरतों से खिचखिच करने का टाइम नहीं है। तुमसे किटकिट करने के लिए हमारे पास भी टाइम नहीं है। आ? ये क्या है हाथ में, ऐसे ऐसे कर रहे हो? ये चावल है, चावल। हाँ। रा रा, ये चावल नहीं है, ये कौन की है? ये आदमी खाएगा ना तो पेट पे गोल बोल जाएगी। और ये क्या है? ये सब्जी बनाने का तेल। मिस्टर, ये तेल नहीं है, कैस्टर ऑयल है, एरंडी का तेल। इसे सब्जी में डाल के बनाओगे ना तो लूज मोशन हो जाएंगे, समझे? ये तो 100% नमक होगा गारंटी के साथ। 100% नमक? हाँ, चूहे मारने का सफेद पाउडर है। हाँ? खाओगे ना तो सीधे ऊपर मारेगा क्या? ए, इसको खिला, खा तू। सुनो, औरतों का काम औरतों को करने दो। हाँ, मर्दों के बस का रोग नहीं है ये, समझे? ओ साजन, एक महीना काम ने के इतनी चर्बी चढ़ गई और मैं सालों तेरे को पाला पोसा, मुझे कितनी चर्बी चढ़नी चाहिए, बोल। रेवाते रेवाते, ऐसे फोकट में खाना नहीं खिलाया मुझे। मैंने भी न दिन देखा न रात देखी, ऐसे ऐसे जानवरों की तरह काम किए मैंने तेरे लिए, तब जाके मुझे दो वक्त खाना खिलाया। अंकल से कहने का मेरे साथ बोल देती हूँ। बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया तूने, इंडिया को अमेरिका बना दिया। अरे जा जा, तेरे जैसे मतलबी आदमी के लिए मैंने जितना काम किया है ने, उतना का मैंने अगर इंडिया के लिए किया होता ने तो कब से वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली से बुला लिया होता और 33% कोटा में से एमपी की टिकट भी दिला दिया होता। कितना कॉस्ट उठाया मैंने तेरे जैसे फालतू आदमी के लिए। तूने जब भी बुलाया मैंने आकर तेरे पैर दबाए, तूने जब जब दारू पी मैंने उसमें सोडा डाला, और यहाँ तो की जब जब तूने मेरे मुंह पे सिगरेट का धुआं छोड़ा ने, मैंने उसकी बास को सेठ समझ के सूंघ लिया था। बोल बोल बोल, जितना बोलना है बोल, मैं तेरे थोबड़े की हिस्ट्री बदल दूंगा, देख ले। लोग तेरे इतिहास पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे, बताने लायक मैं रखूंगा नहीं तेरी तो। मेरे को धक्का मारती है आज तू तो खलास। मेरी माँ को हाथ लगाया तो दूंगा धोबी पछाड़। क्या बोला बे बकरी के बच्चे? ए बाबा, मेरी माँ को हाथ लगाया तो फोड़ डालूंगा। अगर तू पी जाएगा तो सड़क पे मारूंगा। अबे अबे बहुत समझ के बैठते मर रहे बाप को। अब मैं समझा तूने बैट क्यों खरीद की थी इनको। अंदर ही अंदर पिल्लों की गैंग बनाकर मेरे खिलाफ भड़का रही है तू। अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को कब कहाँ किस वक्त किस तरह उड़ाना है मैं डिसाइड करूंगा। अब सुन ना मेरे दिमाग का धमाका तेरी तो। अबे कुछ नहीं कर रहा बेटा, कुछ नहीं कर रहा, मैं अकेली मिलना।